बत्ती बंद कर बैटरी डाउन हो जाएगी तो कोई धक्का मारने वाला नहीं आएगा गाड़ी को। ये सही बात है कि फुटपाथ के पहले सीन के लिए आपको 35 टेक करने पड़े थे? 40 टेक देने पड़े मुझे। 40 थे जी, और फिर भी शूटिंग खत्म नहीं हुई। आपका मन था नहीं, आप कैमरे के उस तरफ थे, फिर ये एक्टिंग का सिलसिला कैसे? ये गलती मैं भट्ट साहब को या इसकी जो भी है। क्या करते थे आने से पहले? आवारा गर्दी। मुकेश भट्ट जी मुझे देखते थे कहीं अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, 7-8 लड़कों के साथ। आप कह रहे हैं कॉलेज में नहीं सीखा, आपके जानने वाले कह रहे हैं कि आपने शामक डावर की क्लास में भी नहीं सीखा। वो तो मैं एक्चुअली डांस सीखने के लिए गया नहीं था। क्या करने गए? गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए गया था वहाँ। काफी गंभीर प्रोजेक्ट साउंड कर रहा है। निकाला भी गया था। ये तो डांस सीखने नहीं आया, इनको निकालो यहाँ से। गजब बेइज्जती। गुजरात और राजस्थान के गांवों में अफवाह उड़ रही थी कि झलक दिखला जा गाने से भूत आ जाते हैं। हाँ, वो तो सुना है मैंने। पता नहीं भूत आए नहीं, मैंने तो कभी कोई भूत, ऑफ कोर्स नहीं आए होंगे, भूत मैंने तो कोई भूत नहीं देखे, देखना चाहूंगा अगर ऐसा कुछ हो तो। आशिक बनाया आपने वाला गाना है, उससे पहले आपने खाया क्या था? मैंने च्युइंगम खाया था उससे पहले। तो वो ऐसा गाना था जिसको छिप छिपा के देखना पड़ता था उस जमाने में, पापा लोग आ जाते तो चैनल बदलना पड़ता था। चैनल क्यों बदले, हो सकता है पापा को देखना हो तुम चले जाते। आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएं, उनको स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है कि यार एक्टर्स को तो बड़ा मजा आता होगा, इंटीमेट सीन करते हैं। इट्स नॉट अ फन थिंग, इट्स लाइक शूटिंग एनी अदर सीन। इमरान हाशमी है, हॉट सीन तो होगा ही। वो एक परसेप्शन था, और मैंने बहुत सारे ग्रे शेड्स प्ले किए थे कैरेक्टर्स, लोगों को लगने लगता है वैसा। पर आपकी गर्लफ्रेंड ने तो खून निकाल दिया था आपकी बांह से। खून निकाल लिया था जी। क्या हुआ था? मैंने कहा नहीं था किस टोनैलिटी की फिल्म है, क्योंकि अगर मैं कहता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। कॉफी विद करण के चौथे सीजन में आपका एक एपिसोड आता है और उससे खूब सारी कंट्रोवर्सीज। आपसे सवाल पूछा गया कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको क्या ध्यान आता है, सवाल पूछा गया प्लास्टिक, यू सेड ऐश्वर्या राय। डू यू रिग्रेट दैट? आई रिग्रेट इट। कभी आप मिले ऐश्वर्या राय से या आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश की? मैं उनके वैन के बाहर 3 घंटे तक खड़ा रहा हूं देखने के लिए, बहुत बड़ा फैन था मैं उनका। सलमान खान के साथ काम करके कैसा लगा? क्या वो सच में बहुत लेट आते हैं सेट पे? ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी स्क्रीन पे कैप नहीं पहनूंगा, मैं चाहूंगा कि ऑडियंस मेरा पूरा चेहरा देखे, और रिकॉर्ड के लिए हिमेश रेशमिया के एक्टिंग करने से मुझे डर नहीं लगता। ये आपका स्टेटमेंट है? ये मैंने कहा था जी। मैंने कब कहा था? हाई कोर्ट वर्बेटम, ये जब उनकी फिल्म आने वाली थी तब आपका स्टेटमेंट आया।